आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्र लेने और जमा कराने भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने नवमी के शुभ मुहूर्त में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान सभी के चेहरे पर अपनी जीत की खुशी नजर आई। विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करते हुए सोमवार को नामांकन के दूसरे दिन नवमी के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस व भाजपा और साथ ही अन्य निर्दलीय प्रत्याशी पहुंचे, जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी पर जनता का भरपूर भरोसा मिलने को लेकर अपनी खुशियां जाहिर की। राष्ट्रीय पार्टी के दो जिला अध्यक्ष नहीं लेकिन पांच 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 जन चलो तब तक छाया तब तक बाइट बाइट ले लो। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब आए नहीं है तो ले लो, कौन आ रहा है जब तक बाइट ले लेते हैं। नामांकन पत्र लेने सुबह पहले दुर्ग शहर के प्रत्याशी अरुण वोरा अपने पुत्र के साथ पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेवा ही हमारा धर्म है और कार्यकर्ता की मेहनत और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। नवरात्रि की सबको बधाई, माँ दुर्गा की कृपा हम सबके ऊपर बनी हुई है। आज इस पवित्र दिन में मैंने दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के लिए आवेदन लिया। शुभ मुहूर्त में भर दिया जाएगा। देखिए, मतदाताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, कार्यकर्ताओं की मेहनत और ताकत हमारे साथ है और सेवा ही हमारा धर्म है, इसके आधार पर ही मैं कार्य करता हूँ। तो सबका आशीर्वाद सहयोग मुझे प्राप्त होगा। इसी कड़ी में भाजपा के शहर से अपनी उम्मीदवारी कर रहे गजेंद्र यादव और दुर्ग ग्रामीण के ललित चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नाराजगी का भाजपा को फायदा मिलेगा और शहर गांव की जनता सब जानती है। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों के बीच कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लेकर काफी अंतर नजर आया। दुर्ग शहर से लड़ रहे चुनाव में गजेंद्र यादव के साथ कुछ ही लोग नजर आए तो वहीं दुर्ग ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे ललित चंद्राकर के साथ पूरा भाजपा गढ़ नजर आया। जब इस बात को लेकर दोनों ही प्रत्याशियों से चर्चा की गई तब उन्होंने इस तरह का गोलमोल जवाब दिया। दुर्ग शहर की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और हम जहाँ जा रहे हैं लोगों का अपार जन समूह हमें आशीर्वाद देने को आतुर है और जनता ने मन बना लिया है नए प्रत्याशी को और भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। हमारे मंडल के भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण इकाई होता है मंडल। आप देख रहे हैं मेरे आजू बाजू सारे हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष जी हैं, जिला के आदरणीय महामंत्री जी हैं, जिला के माननीय उपाध्यक्ष जी हैं, दुर्ग नगर में रहने वाले सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं, प्रमुख पदाधिकारी। तो आप जनता बदलाव चाहती है। दुर्भाग्य से जब मैं कचहरीवाड़ का पासा था यहीं का, उसमें तीन पानी टंकी हुआ करती थी पूरे शहर में, पूरे दुर्ग में निर्बाध रूप से पानी पेयजल हुआ करता था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 153 करोड़ रुपये इस नगर निगम दुर्ग को दिया, लेकिन दुर्भाग्य है 13 पानी टंकी बनने के बाद भी स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप के कारण नगर निगम प्रशासन जो गवर्नमेंट का भारत सरकार को नाम से नाम्स को दरकिनार करके जो गलत पेयजल पाइपलाइन बिछाया गया उसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि आधे से ज़्यादा आबादी को आए दिन कुछ न कुछ कारण से पानी पेयजल व्यवधान होता है। आप समाचार पत्रों के माध्यम से आपके जानकारी में होगा कि आए दिन नगर निगम आज यहाँ पंप बंद रहेगा वहाँ पंप बंद रहेगा ऐसा विज्ञापन अपना जारी करती है, सूचना जारी करती है। ये लोगों को आज हमारा ये दुर्ग जिला ऐतिहासिक जिला है,
125 साल हमारे जुलेख बनने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ज़िले में आज आधी से ज़्यादा आबादी अपने मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। हम मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से दूर करेंगे। चूँकि कांतिलाल बोथरा जी, शिव चंदाकर जी हमारे यहाँ पार्टी सतत काम करने की पार्टी है, लगातार अलग अलग जिम्मेदारी है। वो अभी सारे जगह विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। प्रथम चरण में जो विधानसभा हैं नांदगांव जिले, वहाँ के वो प्रभारी हैं, उस नाते वो सारे लोग अभी वहाँ गए हुए हैं। अभी आज हम लोग नामांकन भरने आए हैं। मुहूर्त का नामांकन जो होता है, उस मुहूर्त के हिसाब से आज हम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का फॉर्म भरने आए हैं। साथ में हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के चुनाव संचालन समिति के मुखिया हम प्रीतपाल बिलचंदन जी, जागेश्वर भैया जी, माया बिलचंदन जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिस्पुरिया जी, जितेंद्र वर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष फतेलाल जी, शैलेन शिंदे जी और गिरीश साहू जी, और हमारे और बहुत सब हमारे वरिष्ठ नेता पांडे जी, अपने पंचराम साहू जी, ऐसे करके शंकर यादव जी और आपको मिलेंगे, और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता भी आए हैं। तो आज हमारा मुहूर्त का नामांकन वो हम लोग बना। पूरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा लोगों में बहुत उत्साह है। एक छोटे से सामान्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, बूथ स्तर के काम करने वाले कार्यकर्ता को अपना प्रत्याशी बनाया। कार्यकर्ताओं के बीच से प्रत्याशी बनाने से कार्यकर्ताओं में और ख़ासतौर से जनता में भी बहुत उत्साह और खुशी है कि उनको अपने बीच का प्रत्याशी मिला, जिसको उस लोग जानते पहचानते हैं, जाना पहचाना, अपना भाई, अपना बेटा, अपना मित्र। इस प्रकार से क्षेत्र में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। मुद्दे बहुत सारे हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था को लेके। छत्तीसगढ़ राज्य को बचाने के लिए और छत्तीसगढ़ को एक परिवारवाद को, खास तौर से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो परिवारवाद, खास तौर से दुर्ग ग्रामीण में जो परिवारवाद जो हावी है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। इसके साथ ही पाटन विधानसभा के उम्मीदवार और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक चर्चित क्षेत्र के प्रत्याशी विजय बघेल ने भी शुभ मुहूर्त देखते हुए अपना नामांकन पत्र जमा कराया। साथ ही डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर विजय बघेल ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर तंज कसते हुए पाटन की जनता का उनके साथ होना बताया। सबसे ज़्यादा मोदी जी कर रहे हैं किसान के लिए, जो सहयोग कर रहे हैं उनकी संवेदनाएं दिखती है। 10,00,000 करोड़ की सब्सिडी देके यूरिया, डीएपी और पोटाश व्यवस्था वो पूरे देश के लिए उसी कीमत पर मुहैया करा रहे हैं। आज विश्व बाज़ार में जो कीमत बढ़ी है रासायनिक खाद की, वो चरम सीमा में है, लेकिन किसानों के हित के लिए उसी कीमत पर आज खाद उपलब्ध करा रहे हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसानों के साथ दादागिरी कर रहे हैं। प्रति एकड़ 300 रुपया के भाव से ये किसानों को दादागिरी करके दे रहे हैं कि अगर ये नहीं लोगे वर्मी कंपोस्ट, जिसमें धूल मिट्टी है, आप सब भी देखे हैं, आप सब भी वहाँ गौठानों में जाकर निरीक्षण भी किया है, आपने इसको धरातल पर लाया है, और हमारा अभियान चला था भाजपा का, वो सारा का सारा आक्रोश किसानों के मन में भी है। 2,040 रुपया जो मिलता है केंद्र द्वारा, जो चावल का पैसा भेजते हैं वो मिलता है एकमुश्त, और ये 460 रुपये अंतर की राशि देते हैं, 900 रुपया की बात कर रहे हैं वो किस्तों में देते हैं। तो इस तरह व्यवस्था फैला के रखें, हम भले ही 2 साल नहीं दे सके लेकिन 300 रुपया जब तक दिए बोनस इकट्ठा हम लोग देते थे भारतीय जनता पार्टी, और इस बार निश्चित रूप से किसानों के हित की बात हमारे घोषणा पत्र में होगी और सच्चाई से आधारित हमारा घोषणा पत्र होगा, जिसको हम लोग सरकार आने के बाद धरातल पर लाएंगे। इस दौरान दोनों राजनीतिक पार्टी के साथ ही कई अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र लिया और जमा किया। इस दौरान दुर्ग शहर के सबसे चर्चित निर्दलीय प्रत्याशी के ध्रुव कुमार लंगूर सोनी छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी से अपनी उम्मीदवारी करते हुए दुर्ग शहर में विकास के नाम पर हुए विनाश पर जनता के सामने जाने की बातें कही और जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलने की बात कही। ये मूलभूत सुविधा के लिए ही ये चुनाव में मुझे उतरना पड़ रहा है, क्योंकि गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है।
जो भी विकास हुआ है तो जो है ना पूंजीपतियों का हुआ है, और इस पूंजीपतियों के लिए ही आज जो है ना हम दुर्ग शहर की आम जनता के हित अधिकार की लड़ाई के लिए जो है इस चुनाव में जो है ना भाग लेने जा रहे हैं। किस तरह से जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर? जनता की मुद्दा आप देख लीजिए, पानी, बिजली, साफ सफाई, ये बहुत बड़ा समस्या है, और उनके लिए दोनों सरकार जो है ना केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। चाहे वो मकान की बात हो, गरीब को मकान देने की बात हो, चाहे जो है वो रोड के विकास की बात हो, चाहे जो है ना आप स्ट्रीट लाइटों में पूरे 60 वार्डों में दुर्ग शहर के आप घूम के देख लीजिए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और एक तरफ ये नल अमृत मिशन योजना की बात करते हैं, अमृत मिशन योजना में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि जो है कह नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100 करोड़ 52 का जो है एक टारगेट लेकर जो है ना अमृत मिशन को स्वीकृति प्रदान किया था, और जिसमें ये जो है ना केवल उसमें 55 हज़ार लोगों को जो है ना उसका लाभ देना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो है ना रमन सरकार के द्वारा सिर्फ 25 हज़ार लोगों को जो है ना दिया गया, और कांग्रेस की सरकार ने 5 हज़ार लोगों को दिया गया। 30 हज़ार बचे, 25 हज़ार, उन 25 हज़ार लोगों का मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं विधायक बनता हूं उनके आशीर्वाद से, तो ये पूरे योजना जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त के अनुसार जो है ना ये क्रियान्वयन योजना लागू करूँगा। मैं ध्रुव कुमार लंगूर सोनी छत्तीसगढ़ महातारी पार्टी से निर्वाचन आज नामांकन फॉर्म लिया हूं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।